ओम श्री गणेशा में पूजन पाठ काम क्यों नहीं कर रहा है? आप इतना पूजन पाठ जप तप धर्म ध्यान करते हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है? राज क्या है, रहस्य क्या है? पूजन पाठ या वीडियो को आप बारीकी से सुनिए, आज मंगलवार का दिन है और अगर बारीकी से अगर आप सुनते हैं तो आपका जीवन में जितना भी दुख संकट समस्या है सभी निवारण हो जाएगा। यह वीडियो आज जो मैं बना रहा हूं मंगलवार के दिन, मेरे परिवार के ऊपर बना रहा हूं कि हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सा संकट और समस्या था और हमने उसे निवारण कैसे किया। तो हमारे परिवार का जो इतिहास है आपके परिवार का भी वह इतिहास है, इसीलिए आपका पूजन पाठ काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल एक एक अक्षर सुनिए, मैं ये नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के सम्मुख यह इतिहास सुना रहा हूं। ये मेरे परिवार का इतिहास नहीं सुना रहा हूं, विश्व को जागरूक कर रहा हूं, विश्व को। वीडियो लास्ट तक सुनिए तभी आपके द्वारा किया गया पूजन पाठ जब तब आपको 100% काम करेगा। वीडियो लास्ट तक सुनिए, मैं बहुत जल्द जल्द बोलूंगा। आज मंगलवार दिन है, अभी शिव मंदिर जाऊंगा अनेक परिवार के साथ, अनेक परिवार के नाम से पूजन करने, और स्पेशली जो है हमारे प्रीति जी हैं बेंगलोर में, उनके मंगलारती करने जाऊंगा शिव मंदिर। क्या क्या लेके जाना चाहिए वेद शास्त्र समक्ष बतला रहा हूं। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से डायरेक्ट बात कर सकता हूं, अग्नि देवता से डायरेक्ट बात कर सकता हूं, 33 प्रकार के जिस किसी भी देवी देवता को आप कहें मैं डायरेक्ट दिन में बात कर सकता हूं, स्वप्न में नहीं, दिन में। अभी इतिहास सुनिए हमारे परिवार का पहले, और हमारे परिवार को हमने संकट से कैसे मुक्त किया देवी देवताओं के माध्यम से, और मेरे गुरु जो हैं डायरेक्ट, ये ज्वाला देवी तो ही हैं, शिवालय और मां अंबा देवी के साथ अनेक देवी देवताओं ने मेरे रक्षा किया, तभी मैं अपने परिवार को सुरक्षित कर पाया हूं। सन 1955 के आसपास, देखिए आप अपने परिवार का संकट अगर टालना चाहते हैं, दुख कष्ट निवारण करना चाहते हैं, तो आपके 100 वर्ष का इतिहास आपके साथ चल रहा है। सन 1955 मेरे दादाजी ने एक शिव मंदिर में बहुत रोया था, 55 से पहले बहुत रोया था, क्यों रोया था ये मुझे नहीं मालूम और ना जानना चाहता हूं, और वही कारण से उन्होंने एरोड्रोम फील्ड के नजदीक बहुत कीमती जमीन शिव जी को दान दिया है, आज भी हुआ शिव जी के नाम से दान है। उसके कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले हमारे बड़े ताऊ नाम राधे श्याम को एक तांत्रिक ने मार दिया था, तब हमारे ताऊ जी का पेट बहुत दर्द दिया। देखिए पेट दर्द के कारण हमने बार बार कहा है कि मूलाधार चक्र के इष्ट भगवान विष्णु विष्णु सहस्रनाम पाठ कीजिए, तब विशाखापट्टनम लिया गया, वहां मेरा ताऊ जी का देहांत हुआ। उसके कुछ वर्ष बाद हमारे पिताजी वह गांव छोड़ के केसिंगा चले आए, हमारे पिताजी को और हमारे पूरे काकाजी सब परिवार को हमारे ही एक रिश्तेदार ने भयानक तंत्र से बंधन करवा दिया 50 वर्ष तक। उसके बाद मैं अपने पिताजी के हम जो भाई वगैरह थे उनको तो मैं खोल दिया हूं, हमारे एक रिश्तेदार ने तंत्र से बंधन करवा दिया और सैकड़ों जगह पे बंधन करवाया, आज भी वह रिश्तेदार जीवित है, और हमारे एक काका जी के बेटे को भी उसने शायद मां के गर्भ से ही पागल करवाया था, आज जीवित है वो रिश्तेदार मेरे। तो हमारे साथ जो घटना घटित हुआ ये आप लोगों के साथ भी घटित जरूर हुआ होगा। सन 1971 या 73 के आसपास मेरा जन्म हुआ। क्यों जन्म हुआ इन परिवार के यहां? क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो शिव जी के चरण शरण में बहुत रोए कि ऐसा एक संतान हमें दीजिए शिव जी जो कि परिवार का उद्धार कर सके। तो सन 71-73 में मेरा जन्म हुआ। जन्म के समय में गुलाब फूल की तरह सुंदर था, तो वह पैजामा वाला रिश्तेदार में
वह तो तांत्रिक खेल खेलता था एक तांत्रिक को लेके। शायद उसने 4 वर्ष की उम्र में मेरे पूरे शरीर को तंत्र से बंधन करवा दिया और मस्तक को बहुत ही तगड़ा उसने बंधन करवाया, जो कि ना मैं पढ़ सका और ना अच्छा जीवन में व्यतीत कर सका। चलता गया यूं ही दिन। सन 1991 मैं सर्वप्रथम चला गया माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर और मैं मां काली का भक्त बन गया। तब मुझे भी नहीं मालूम था कि हमारे जो मूलाधार चक्र हैं, क्योंकि जो भी तंत्र प्रयोग किया जाता है मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र मस्तक चक्र, ये 3 चक्र के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है। मैं माता वैष्णो देवी का भक्त बन गया 91, महाकाली देवी का भक्त, महाकालिका देवी का भक्त। 1994 केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक मां का एक भव्य मंदिर बनने का था, अंबा देवी का मंदिर, राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी। तो मैं वहां अंबा देवी मंदिर में, वहां कमेटी वगैरह कुछ नहीं था, गांव वाले तो मना कर रहे थे यहां मंदिर बनाओ, अगर बनाते हो तो भी हम पैसा नहीं देंगे। तब राम कुमार जी, जो कि आज तो नहीं है, स्वर्गवास हो गए, रायपुर में रहते हैं अभी, रहते थे, उन्होंने जमीन खरीद के दिया। तो राम कुमार जी बोले कि ऐसा ऐसा है, मैं बोला मेरी मां का मंदिर बनेगा और मैं यहां दिन रात जितना हो सकेगा समय दूंगा। वहां मैंने प्रथम, वहां जो और एक दो परिवार थे उनको बोला कि यहां चंडी पाठ करते हैं, तो चंडी पाठ वहां करवाया गया। हवन अग्नि के तरह जोरो तेज, तो मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था, तो उस हवन अग्नि से 2 हाथ निकले देवी के और मैं दूर बैठा हुआ था, खींच के लेके आ गए मेरे को। और मैंने तभी हुआ हवन अग्नि के ऊपर ऐसा हवन जल रहा था, उसके ऊपर मैंने हाथ रखा और बोला हे देवी माई, तो ये तो सब देवी करवा रही थी, हे देवी माई मैं अग्नि का शपथ लेता हूं जब तक मंदिर पूरा ना हो आपके दरबार में ही रहूंगा। और मंदिर पूरा निर्माण हुआ, अग्निशिखा जी महाराज के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हुआ और मुझे ध्वज दिया अग्निशिखा ने कि बेटा तेरे हाथों से मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है और तेरे साथ देवी देवता हैं और ये मंदिर का गुंबज का ध्वज तू ही लगा। तो मैं लगाया वहां। फिर मैंने कई बार देवी को बोला कि मां अम्बा आप अगर मूर्ति के अंदर हैं तो मुझे दर्शन दीजिए, तो दिन में दर्शन देने लगे और ऐसा एक शक्ति दे दी देवी मेरे शरीर में, कानों में, कि मैं देवी से डायरेक्ट बात करने लगा। फिर हम जिस पुराने घर में रहते थे वार्ड नंबर 3 केसिंगा, मैं बोला देवी हमारे घर में क्या है, बिल्कुल बरकत नहीं, हम लोग पैसा के लिए बहुत तकलीफ पाते थे। तो देवी एक दिन रात को मैं सोया हुआ था अंबा देवी मंदिर में, मेरा आत्मा को खींच के ले गए हमारे घर के अंदर रात को 12:30 बजे और दिखाए, बोले बेटा देख तुम्हारे घर में क्या। तो देखा कि वहां हमारे घर के नीचे भयानक भयंकर पूरा घर का जमीन तंत्र, भरपूर तंत्र, इसीलिए बरकत नहीं हो रहा था। उसके बाद उसी घर में मेरे बड़े भाई संगीत कोठियार बोल के कमरा था, वहां सोया हुआ था, 2 हाथ उसको गला दबाने के लिए आ गए, वो दौड़ के आ गया एक कमरे में, मैं भी वहां था, तो हमारे मोती भाई दाऊ के बेटे वो दौड़ के आ गए और मैं दौड़ के चला गया। शायद मैं संगीत का हाथ को जोरों से पकड़ लिया, उसका प्राण बच गया। तो उस घर में अनेक मृत्यु देवी देवताओं ने टाला है। फिर समय के साथ मां अंबा देवी के मुख से निकला, बेटा तू विष्णु महायज्ञ करवा। तो मैं बोला मैं तो विष्णु का भक्त नहीं हूं, विष्णु महायज्ञ कैसे देवी बोल रहे हैं। फिर भी मैंने करवा, 2006 में मैंने अग्निशिखा महाराज जी को निमंत्रण दिया कि विष्णु महायज्ञ करवाना है और 2008 में 31 पंडितों को बुला के लाया बनारस से अग्निशिखा के माध्यम से और 2008 में भयंकर विष्णु महायज्ञ करवाया, तभी लक्ष्मी देवी का मुझे आशीर्वाद मिला। फिर देवी ने मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि तो दे दी थी 2001 में, लेकिन सिद्धि कैसे प्राप्त हुआ, गौरीशंकर मंदिर महाकाल शिवलिंग और अंबा देवी दोनों के माध्यम से मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ, ये 2001 मैं फिर बेकार हूं 2001, और अखंड दीप मेरा वहां जलता था ज्वाला देवी के माध्यम से। 2001 को जब मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती 700 श्लोक 13 अध्याय और संपुट मंत्र का, मैं रात को 12 बजे सिद्धि प्राप्त हुआ ही था, मुझे नहीं मालूम था कि इस क्षेत्र में भयानक भयंकर राक्षसी शक्ति हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं को मालूम था कि इसे मारेंगे और हम लोग बचाएंगे।
रात को 12 बजे जैसे मैं घर आया, घर आने के लिए रेलवे फाटक के नजदीक पहुंचा ही नहीं था, तो 10-20 अदृश्य शक्ति जिसे राक्षसी शक्ति कहा जाता है, पूरा इंसान के जैसे और नागतंत्र, मुझे घसीट के ले गए और रेलवे फाटक में मुझे डाल दिए मार के। तभी देवी अम्बा एक पंडित के शरीर में प्रवेश करके आके दौड़ के मुझे उठा के ले गई और मुझे प्राणदान मिला हुआ है 2001 को। वह प्राणदान मंत्र मृत संजीवनी मंत्र दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पृष्ठ नंबर 16 से। तो हमारे पूरे परिवार को तंत्र से बंधन किया गया था, रिश्तेदारों को भी। रिश्तेदार का अर्थ है हमारे ताऊ के सभी परिवार को। मैंने अपने परिवार को धीरे 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 खोला और गौरीशंकर मंदिर शिवालय शिव जी से वरदान प्राप्त हुआ 5 मकान का 5 भाइयों के लिए। और 2010-12 को हमारा मकान वगैरह बन गया, मैं मकान में चला गया, हम पूरे परिवार चले गए, नया नया मकान बना, करोड़ों सबका, करोड़ों करोड़ों का, क्योंकि पुराना मकान हमारा बहुत ही खतरनाक था। हमने जिनको बेचा मकान उनको भी मैंने बोल दिया था कि यहां जो राक्षसी शक्ति है इस मकान में, चाहे अरबों रुपया का भी आप पूजन करवा लो, यहां से राक्षसी शक्ति जाने वाले नहीं है। तो हर इंसान का यही इतिहास है, हर इंसान का, इसीलिए आपका पूजन पाठ काम नहीं कर रहा है। तो सिस्टम से अगर आप पूजन पाठ करेंगे तो हमारे परिवार में जो संकट समस्या था हमने निवारण किया, बहुत टाइम लगा है। अग्नि मैंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए के सिंगा में, आप पूछ लीजिए के सिंगा वालों को, दर बदर भटकता रहा, चंदा लेने यज्ञ करवाए, गायत्री यज्ञ कई करवाए, रुद्राभिषेक तो 100 दिन कंटिन्यू चला गौरीशंकर मंदिर में, विष्णु महायज्ञ, श्रीमद भागवत महापुराण, बहुत कुछ मैंने 30 वर्ष तक करवाया। तभी धीरे 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 बंधन खुला और आपस में जितने भी घरों में आज भी पति पत्नियों का झगड़ा होता है, ये कोई बाहरी शक्ति झगड़ा करवा रहा है। और हम पुराने जब मकान में रहते थे तो मेरी माँ जो है किसी एक आदमी को बुला के लाता था, घर बंधन करवाता था कील से। तो हम बोलते थे माँ को ये घर बंधन 100% फेल है, कोई राक्षसी शक्ति को किसी के घर के अंदर आने से रोका नहीं जा सकता। तो ये सब मेरे परिवार का जो इतिहास है, हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे साथ गद्दारी के पिताजी के साथ। तो आज हम अपने रिश्तेदारों के भी बोलना चाहते हैं, जब राधेश्याम ताऊ को मारा गया, पिताजी को तंत्र से बंधन किया गया, मुझे तंत्र से बंधन किया गया 4 साल की उम्र में, और उसके बाद 2001 से कोई इंसान पूरे मेरे शरीर को नागतंत्र अग्निअस्त्र से बंधन करवा दिया। मेरे गांव का ही है कोई इंसान, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, जब शिव जी चाहेंगे मुझे बता देंगे, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कर्मों का फल कर्म ही देता है। जिसने भी मेरे शरीर में तंत्र बंधन करवाया था वह जल्द से जल्द आके मुझे बतला दे और शिव जी से क्षमा प्रार्थना ले ले, और नहीं तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं शिव का भक्त बन चुका हूं। पहले मैं शक्ति का भक्त था और शिव का भक्त जो बन जाता है इंसान, उसका 100% सुनवाई होता है। तो हर घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो मैं अब अपने रिश्तेदारों से पूछना चाहता हूं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी उज्जवल भविष्य अगर चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप जवाब दीजिए सभी रिश्तेदार कि जब राधेश्याम ताऊ को मारा गया, मुझे तंत्र से बंधन किया गया, हमारे परिवार को, तब आचार्य आपके थे या नहीं धर्म के, आपने जो धर्म धारण किया, उन्होंने तो कभी नहीं बोला एक बार भी। जब राधेश्याम ताऊ को मारा गया तब हमारे उमरा के मंड देवता थे या नहीं, नहीं बताया। संगीत के ऊपर जब अटैक हुआ, संगीत के ऊपर तो अभी भी अटैक हुआ था 2022 में, मैंने भुवनेश्वर से बचाया उसको, भुवनेश्वर से, संगीत के ऊपर तो अभी भी अटैक हुआ था, भुवनेश्वर से मैंने मृत संजीवनी मंत्र उसके लिए छोड़ा था। तो हमारे मंड के जो आप जाते हैं हरियाणा, वह मंड के जो बाबा बली आप बोलते हैं, उनका क्या ड्यूटी है, उनका ड्यूटी मैं बता रहा हूं, एक क्षेत्र तक ही सीमित है, ओडिशा तक उनका पावर नहीं आता। और जो आपका आचार्य जिन्होंने आपने जिनको गुरु बनाया है, उनके अंदर 1 रुपया का भी सिद्धि नहीं है। आप पुराने घर में जितने भी भाई मेरे साथ रहते थे, आपको याद होगा हमारा तिजोरी जो है गलत दिशा पे था, नैऋत्य कोण में कुआं था, और पिताजी बहुत साधु संतों को बुला के लाते थे, किसी ने भी कहा कि ये तंत्र
बंधन मकान में आप रहते हो, कोई तो नहीं कहा। आज केसिंगा में जो गायत्री नगर जो बना हुआ है, किसके शक्ति से बना हुआ? गुरुशंकर मंदिर, महाकाल, महाकाली का कोणार्क स्पिंड, और अंबा देवी और अखंड जो ज्वाला देवी। मेरे ऊपर बहुत अटैक हुआ है सैकड़ों बार। एक बार तो महाकाली का देवी स्पिनिंग मिल और शिवालय जो वहां उठ के आ गए मेरे घर में, पुराने घर में, मेरे पेट के ऊपर शिवालय 8:30 बजे और सामने महाकाली का देवी। तो आप जो वीडियो सुन रहे हैं, आपका भी यही इतिहास है। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, काका, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, जितने भी परिवार के रिश्तेदार हैं, आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए सर्वप्रथम घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास करवाए। हमेशा हर रोज कर्पूर और दूब का तिलक लगाएं, जेब में हमेशा दूब रखें और रुद्राक्ष माला जरूर धारण करें। और घर में हर रोज पीली सरसों, हल्दी, कर्पूर का धुनी दीजिए। तो ये जब हमारे परिवार का इतिहास रहा है, तो जन्म कुंडली कहां से काम देगा? और जब हमारे राधेश्याम ताऊ को मारा गया, तब किसी भी इंसान को जब मारा जाता है तो उनके पितरों को सर्वप्रथम बंधन कर दिया जाता है। तो बंधन करके ही तो मारा गया था राधेश्याम ताऊ को। ये तो आपके आंखों देखा ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आचार्य जी क्या कर रहे थे आपके। आज भी बोल रहा हूं मेरे रिश्तेदारों को, और जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जितने भी वस्त्र धारण करके ये व्यासपीठ में बैठे हुए हैं या आचार्य बने हुए हैं, या मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हमारे तो सभी रिश्तेदार और जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहूंगा, ये वीडियो देखने वाले, आप रुद्राक्ष माला धारण कीजिए। मां, बहन, बेटी, बच्चे जन्म होते हैं, और जितना हो सके नवग्रह का हवन करवाते रहे, और महाकाली और मां बगलामुखी जैसे महाशक्ति देवियों के चरण शरण में झुक जाए। आत्मा नहीं जाता प्राण, आत्मा किसी का भी स्वर्ग नहीं जाता, ये झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए हमने बार बार कहा, ये पंडितों से दूर रहें, पुजारियों से दूर रहें, व्यासपीठ में जितने प्रवचन देने वाले इनसे दूर रहें, डायरेक्ट आप देवी देवताओं से जुड़े। मैं अपने से नहीं जुड़ा रहा हूं आपको, देवी देवताओं से। और आप ये मत सोचिए जो भी मैं आपका पूजन वगैरह कर रहा हूं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 में आप पूजन करवा लिए और बोलोगे कि हमने इतना इतना पूजन नहीं करवाया, आपने इतना नहीं करवाया, मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है मेरे परिवार के रक्षा के लिए और मानव समाज के कल्याणार्थ। आज 10-12 महीना हो गया भुवनेश्वर में बैठा हूं। सुबह का नाश्ता, सुबह जो आप नाश्ता करते हैं, शाम को मैं 2-2.5 बजे नाश्ता करता हूं, वही भोजन वही नाश्ता, रात को कभी करता हूं तो कभी नहीं करता, रोज हवन करता हूं। तो आप डायरेक्ट देवी देवताओं से जुड़िए, वीडियो देखने वाले। आत्मा स्वर्ग जाना आसान नहीं है, आत्मा जाएगा अशोक सुंदरी देवी जलाधारी से, लेकिन 10 महाविद्या देवी के चरण शरण में आपको जाना पड़ेगा। पेट दर्द दे रहा है, विष्णु महा विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कीजिए। मैंने विष्णु महायज्ञ करवाया था किसिंगा अंबा देवी मंदिर परिसर में, मैं तो पूरा गांव को मुक्त करना चाहता था राक्षसी शक्तियों से, लेकिन हमारे ही जो अंबा देवी मंदिर निर्माण के 1-2 सदस्यों ने मेरे साथ गद्दारी किया, नहीं तो पूरा गांव को मैं मुक्त कर देता। लेकिन अब मैं भी क्या करूं, मैं भी असहाय हो गया उस समय। तो आज जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप पानी की तरह पैसा खर्च कीजिए, हवन यज्ञ में। अभी गुप्त नवरात्रि आ रहा है, बहुत भयानक होता गुप्त नवरात्रि। पिछले गुप्त नवरात्रि में हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला था, और 7-15 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप में चैटिंग कर दिया था प्रेम और पारस को, गांव से कहीं भी जाओ मुझे बोल के जाना, मुझे बोल के जाना। तो मुझे बोल के नहीं गए, वो ज्यादा ज्ञानी है ना, वो आचार्य बना रखे हैं हमारे भाई लोग। मुझे धुमावटा से फोन आया कि मामा मामा, और आपका तो गाड़ी कल एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट। फिर मैंने भाइयों को बोला कि जाओ तुरंत महाकाली का देवी के मंदिर में नींबू वगैरह दे के आना, फिर दे के आए प्रेम पारस को, मैंने चैटिंग कर दिया था कहीं भी जाओ। तो किसी भी मानव का जीवन सुरक्षित नहीं है, और हम तो यही कहेंगे आपके पास धन है वर्ल्ड के किसी भी मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाएं, सामूहिक जलता हो तो सरसों तेल दीजिए, और हमेशा एक ही मंत्र आप जाप कीजिए सर्वप्रथम, ओम सरस्वती देवी नमः, या
ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भूर्भुव स्वत सवितुर्वर्णम भर्गो देवेश धीमे जीव न प्रचोदयात। आत्मा स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। ये पंडित गो माता का पूछ पकड़ा देते हैं, हो गया बाची, हो गया बाची, हो गया बेचारण, ये आपको पाखंड धर्म बतला रहे हैं। हो गया बाची, स्वर्ग पहुंच जाओगे, नागतंत्र बिछा हुआ है धरती से स्वर्ग तक। मैं ऐसा ही नहीं तप रहा हूं 30 वर्षों से, और अभी भी बोल रहा हूं, आप तो नर्मदेश्वर शिवलिंग बिठाए हो या नहीं बिठाए हो ये देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग को साक्षी रख के कह रहा हूं। मैं देवी देवताओं से डायरेक्ट बात करता हूं, इससे ज्यादा क्या प्रमाणित करूं। नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। आज मैं भुवनेश्वर में भी जो आया हुआ हूं, 3-4 परिवार का प्राण रक्षा के लिए आया हुआ हूं, रोटी पानी खाने नहीं आया भुवनेश्वर में। और यही भुवनेश्वर से मेरे परिवार के लिए भी हमने 1100 तंबानाग एक शिवालय में चढ़ाया। जिस शिवालय में चढ़ा उस शिव जी से डायरेक्ट बात करता हूं मैं, धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है। जितने भी ये वस्त्रधारी हैं 99% क्रिमिनल क्राइम है, क्रिमिनल है, इनका रिकॉर्ड देखिए आप, जो घूम रहे हैं गली मोहल्लों में। और हमारे भाई लोग, आप जिसको आचार्य मानते हो ना, उसका असलियत बतलाऊं आपको, वह जितने भी प्रवचन देते हैं उस आचार्य को कंट्रोल करते हैं 12-14 धनवान, 10-12 धनवान, और धनवान जो विज्ञप्ति प्रिंट करके देंगे वही आपका आचार्य प्रवचन में बोलेगा। तो आपका आचार्य भी गुलाम है धनवानों के अधीन। आप जिसे आचार्य मान रहे हैं, मेरे परिवार रिश्तेदार, उसका औकात नहीं है मेरे सिद्धि के सामने वो सिद्धि अपना दिखा दे, उस आचार्य का औकात नहीं है। वही आचार्य के माध्यम से ही मेरे पास गुवाहाटी से फोन आया था कि आपके दूर दराज रिश्तेदार भाइयों के शरीर में 3 भूत प्रेत प्रवेश कर गए, मेरे पास खबर आया था, गुवाहाटी से आया हुआ था। तो यही है आपके आचार्य का असलियत, वह कोई सिद्धि प्राप्त नहीं किए, आपके आंखों में वशीकरण तंत्र प्रवेश करवाया गया। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हर पूजन पाठ हवन में गेहूं ज्यादा से ज्यादा डालिए, ताकि आंखों से वशीकरण तंत्र खुल जाएगा। मेरे आंखों में भी तंत्र प्रयोग किया गया था, दोनों आंखों में। वेद शास्त्र आज आप जो देख रहे हैं ये नकली है, ये मानव समाज को गुलाम बनाने का वेद शास्त्र है। और कलयुग में गुरु वर्जित है, किसी को गुरु नहीं बनाया, डायरेक्ट आप नर्मदेश्वर महाज्योतिली, आप के माध्यम से 10 घरों में भी नर्मदेश्वर महाज्योतिलिंग का वास होता है तो 10 मंदिर निर्माण का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। और 10 महाविद्या का भी मेरा मंदिर बन रहा है कृष्णा के नजदीक, वर्ल्ड के सभी धनवानों से हम कहेंगे वह मंदिर को पूरा करवाइए। वह मंदिर और नर्मदेश्वर महाज्योतिलिंग के माध्यम से ही आपका आत्मा स्वर्ग पहुंच सकता है, संकट आपका टलेगा। 10 महाविद्या, जो कि आज मैं 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री सुनील मित्र बोल रहा हूं। पैसा कमाने के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया है, आपके कल्याण के लिए, आपके आंखों खोलने के लिए। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदारों तक जरूर भेजे, जरूर भेजे, जरूर भेजे।